सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। दिल्ली एनसीआर में मार्च महीने के बचे अगले दो दिन गर्मी के लिहाज से भारी पड़ने जा रहे हैं। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में हीट वेव यानी कि गर्मी की लहर चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाएगा। इससे पहले सोमवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। अगले दो दिनों तक भीषण लू चलने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा 23.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सोमवार को दिल्ली में हवा में नमी का स्तर 23 से 56% रहा। दिल्ली में आज यानी मंगलवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और मौसम साफ बना रहेगा। मंगलवार और बुधवार को हीट वेव चलने का अनुमान भी है। वहीं नोएडा की बात करें तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है और यहां भी आसमान आज साफ रहेगा। वहीं गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 40 न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है और मौसम साफ रह सकता है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के अनुसार आज दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI बहुत ही खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है और वो 318 है। वहीं नोएडा का AQI खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है 244 और गुरुग्राम का भी AQI बहुत ही खराब श्रेणी में रहा है और यहाँ का AQI 339 रिकॉर्ड हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।